राहुल 60 मार्क्स पास, ले पकड़। स्वीटी 22 मार्क्स फेल। तुस्सी कह की कभी पढ़ भी लिया कर, दूसरी क्लास में जाके स्मूच मारती रहती है। एलवीश एलविश ने क्लास में टॉप किया है, क्लैपिंग करो सारे। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू सबको। मैडम थोड़ा सा लव यू आपको भी, अब जल्दी से मेरा पेपर दे दो मेरे को, है ना। सासे थम सी मेरी गई है तेरे जाने से क्यों, औकात तो 32 की बनाए, फिर 82 कैसे आ गए इसके? यार ये हो ना, बायोलॉजी में पहला 33 है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसे ना भाई सब आता है, कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है। भाई यार तेरी लाइफ भी कितनी सेट है ना, एक तरफ गर्लफ्रेंड सेट कर रखी है, एक तरफ मैडम सेट कर रखी है, और भाई मैडम भी कभी ऐसे सेट कर रखी है कभी प्यार में। यार मेरे को भी सिखा दे, मैं भी थोड़े नंबर बढ़वा लूं। भाई ऐसे नंबर थोड़ी बढ़ा देगी मैडम। और भाई मैडम सेट करना एक कला है यार, मेरे दादा सेट करेगा था मैडम, मेरे दादा के बाद यो कला मेरे पापा के अंदर आई, पापा के बाद मेरे अंदर आई, मेरे बाद मेरे बालकों के अंदर जाएगी, समझ रहा। हम पुश्तैनी सेटर है भाई, तू क्या हमारी ओड करेगा? एलविश तुमने क्लास में टॉप किया है ना, तो तुम्हें मेरी तरफ से एक स्पेशल ट्रीट। चलो मेरे साथ। आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। स्पेशल ट्रीट कहाँ जा रहा है? अरे भाई मैं जा रहा हूँ जन्नत में, तारों के शहर में। ओयो जा रहा है क्या? तुम्हारी सोच भाई कितनी छोटी है यार, सदा कहते ओयो तो आगे तो बढ़ जाओ। एलविश जल्दी चलो ना यार, मुझसे वेट नहीं होता, और तेरे को तो पता है मेरा एक पैर नकली है, उससे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। अरे मैडम आ रहा हूँ, कैसे यार कैसे रहा नहीं जा रहा क्या? आ रहा हूँ भाई, मेरे को भी ले जा यार। यार ये कुछ ज्यादा ना हो रहा, मैडम कदे एलविश ने यहाँ बुलावा है, कदे वहाँ बुलावा है, बोला ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है। गड़बड़ का भाई, पढ़े लिखे बालक है, मैडम की गैल ना तो हमारी गैल डोल लेंगे। यार मन तो फिर भी ना कुछ गड़बड़ सी लग रही है, एक काम करें, देख काम है आज धप्पा ही मारना है साला। यार एलविश तुम कितने क्यूट हो यार, मुझे तुम्हारी सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। मैडम हम तो पुश्तैनी क्यूट हैं, मेरा दादा भी क्यूट था, मेरा पापा भी क्यूट है, और मैं भी क्यूट हूँ, बल्कि मेरे जो बालक होंगे ना छोटे छोटे, वे भी क्यूट ही होंगे। यार तुम कितनी प्यारी बातें करते हो, एक काम क्यों नहीं करते, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा, आप छोड़ दो ना अपने हस्बैंड को फिर। वैसे तुम्हारी बातें ना कभी कभी सुन के मुझे लगता है कि मुझको ना उसको डिवोर्स दे देना चाहिए। मैडम एक बात बताऊं, मेरे पापा पता क्या कहते हैं कि जब तक पड़ोसी की गाड़ी तक काम चल रहा है तो अपनी नई क्यों खरीदनी यार, है समझ रहे मेरी बात को? यार जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो, मेरे को भी ऐसी लाइफ पसंद है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? देख भाई मैंने कही थी ना इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, एक मैडम को देख लो आजकल के बालक सेट कर रही है, और एक आजकल के बालक देख लो जो मैडमों को सेट करते हुए डोल रहे हैं, इनको थोड़ी शर्म ना आ रही क्या? एक लड़का देख लो ना, इसकी तो गर्लफ्रेंड भी है भाई, और एक मैडम पति है भाई इसका, पति। नंबर ही बढ़ा इनके, रुक जाओ जरा। वीडियो क्यों बना रहा है भाई? इस वीडियो को ना बड़े बड़े सिनेमा हॉल पे चलाएंगे, अबे ब्लैकमेल नाम की भी तो कुछ चीज हो गए ना, बड़े नंबर ही बढ़वा ले यार हम। भाई खाली नंबर बढ़वाओगा के? अबे तो कोल्ड ड्रिंक समोसा भी खाना है क्या तेरे को? और क्या? अबे तो सीधा बोलना, तेरे को पैसे चाहिए, देखो पैसे भी मिल जाओगे, नंबर भी बढ़ जाओ। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी मत भूलने का।